अगर आप विराट कोहली के फैन हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था और अब एक महीने बाद विराट कोहली को इस मैच की याद आई है। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में कोहली ने अविश्वसनीय पारी खेली थी और अपने दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। टी20 वर्ल्ड कप को खत्म 15 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है। 22 अक्टूबर को शुरू हुए टी20 वर्ल्ड कप अंत 13 नवंबर को हुआ। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान को फाइनल में हराकर टी20 में दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। इस टूर्नामेंट को जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही भारतीय टीम को सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने ही हराया था। हालांकि सुपर 12 के ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा था। भारत ने 5 में से 4 मैच जीते थे और सबसे ज्यादा 8 अंकों के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। भारत ने सुपर 12 राउंड में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड और जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा था। टीम इंडिया ने अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ मैच से की थी। यह मैच 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था और अब एक महीने बाद विराट कोहली को इस मैच की याद आई है। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में कोहली ने अविश्वसनीय पारी खेली थी और अपने दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। कोहली ने इस मैच को याद करते हुए सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर लिखा, 23 अक्टूबर 2022 हमेशा मेरे दिल में खास रहेगा। क्रिकेट के खेल में ऐसी ऊर्जा पहले कभी महसूस नहीं हुई। क्या सुहानी शाम थी वो। कोहली ने मेलबर्न में करीब 90,000 दर्शकों के सामने 53 गेंदों पर 82 रन की नाबाद पारी खेली थी और टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही पवेलियन वापस लौटे थे। इस खास पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला था, साथ ही प्लेयर ऑफ द मंथ भी बने थे। पाकिस्तान ने उस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की। टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 159 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 34 गेंदों पर 51 रन बनाए। वहीं शान मसूद ने 42 गेंदों में 52 रन की नाबाद पारी खेली। मोहम्मद रिजवान 4 रन बना सके, जबकि बाबर आजम खाता भी नहीं खोल सके। अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने 3-3 विकेट झटके थे। जवाब में भारतीय बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा गई थी। केएल राहुल और रोहित शर्मा 4-4 रन बना सके। सूर्य कुमार यादव 15 और अक्षर पटेल 2 रन बना सके। इसके बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने मिलकर 113 रन की साझेदारी निभाई थी। हार्दिक 40 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं कोहली अंत तक टिके रहे। 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर हारिस रऊफ को उन्होंने स्ट्रेट छक्का लगाया। इसे शॉट ऑफ द टूर्नामेंट भी बताया जा रहा है। आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी, जो भारत ने कोहली अश्विन के दम पर बना लिए। कोहली ने अपनी पारी में 6 चौके और 4 छक्के लगाए थे और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 154.72 का रहा था।